एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम. हमारा कल करेंट अफेयर्स नहीं हो पाया था क्योंकि लाइफ में यू नो कई सम इम्पॉर्टेंट ओकेशंस आते हैं जिन पे छुट्टियां लेनी होती हैं. उनमें से ही एक कल था तो इसलिए मुझे लीव लेना पड़ा. बट आज हम 3rd and 4th of August के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे. वीडियो के एंड में आपको दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे. उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. क्लियर है? तो काफ़ी कुछ नया सीखने को जानने को मिलेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सीए. सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है. अब ये कौन है? मनोज वाजपेयी जी, जो कि एक बहुत शानदार एक्टर हैं और इनकी एक मूवी थी जिसका नाम था जोरम. इसे डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इस मूवी के लिए दिया गया है. तो मनोज वाजपेयी जी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोरम मूवी के लिए दिया गया है एट द डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. बेसिकली इस मूवी को दो अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं. पहला अवार्ड बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मिला है और ये अवार्ड किसको मिला है? मनोज वाजपेयी जी को मिला है. सेकेंड अवार्ड जो दिया गया है वो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए दिया गया है और ये अवार्ड दिया गया है पीयूष पुटे को. इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो देवाशीष माकीजा हैं और इस फिल्म में बेसिकली जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, इनइक्विलिटी है या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के साथ जो भी एट्रोसिटी हो रही है, डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीज़ें इस मूवी में दिखाई गई हैं. तो याद रखना है जोरम मूवी को डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दो अलग अलग कैटेगरीज़ में अवार्ड मिला है. ओके, नेक्स्ट पर्सन पर बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में. ये जो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसका फॉर्मेशन 15th of July 2014 में किया गया था. 2014 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है. पहली बार किसी अरब कंट्री की वीमेन को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में अपॉइंट किया गया है. आइए उस पर हम चर्चा करेंगे. सो ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक सिलेक्टेड थुरैया अल हासमी एज अ बोर्ड मेंबर. तो थुरैया अल हासमी को बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने. ठीक है, इसके पहले क्या कर रही थी? ये यूएई से बिलोंग करती हैं. यूएई में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और कई सारी और फाइनेंशियल बॉडीज़ में इन्होंने काम किया है. इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल मैटर्स को सॉल्व करने का. साथ ही साथ ये पहली अरब कंट्री से व्यूमेन बन गई हैं जो कि डायरेक्टर पोजिशन या बोर्ड ऑफ मेम्बर के रूप में बनाई गई हैं ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में. नेक्स्ट पर्सन बात करेंगे, ये है दीपक सुनॉय. ये है दीपक सिनॉय. इन्हें ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है. बेसिकली अभी हुआ क्या, 6th edition ऑफ साउथ एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर समिट एंड बिजनेस अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए. ये डिस्ट्रीब्यूशन या इवेंट कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था. और यहाँ पर जो बेस्ट आप कहेंगे कि स्टार्टअप के मामले में जो बहुत शानदार बिजनेसमैन रहा है, एक एंटरप्रेन्योर रहा है, तो यहाँ पर ये अवार्ड किसे दिया गया है? दीपक शिनॉय को दिया गया है. मेड डॉग ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड रिसीव द प्रेस्टिजियस बेस्ट मैनेज फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन 2023 अवार्ड. तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है? तो मेड डॉग ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड दिया गया है. नेक्स्ट पर्सन के ऊपर बात करेंगे, ये है एक फुटबॉलर जो कि उरुग्वे से बिलोंग करते हैं. इनका नाम है डियागो गॉडेन. डियागो गॉडेन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल. तो क्वेश्चन दो ही बन सकते हैं, डियागो गॉडेन जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल. या फिर किस कंट्री से हैं? तो आंसर हो जाएगा उरुग्वे. उरुग्वे के जो टीम है फुटबॉल टीम, उसके फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और इन्होंने फाइनली अब जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है. इन्होंने कई सारे मैचेस खेले हैं और 10 टाइटल भी अचीव किए हैं, जिनमें से 2 यूरोपा लीग ट्रॉफी हैं और 3 UEFA सुपर कप्स भी इनके नाम हैं. चलिए, अगली पर्सन जो न्यूज़ में बन सकती हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, हालांकि ये इंडियन नहीं है बट इंडियन ओरिजिन की हैं. इनका नाम है चेतना मारू. क्या नाम है इनका? चेतना मारू. और एक बहुत ही शानदार ऑथर है और इनकी जो नोवेल है वेस्टर्न लैंड, इसे बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन ऑथर हैं चेतना मारू. डेब्यू नॉवल मतलब इनकी फर्स्ट नॉवल है बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट, तो बुकर प्राइज़ में इसे जगह मिली है. बुकर प्राइज़ की जो लिस्ट आती है उसमें ये जगह दी गई है. बेसिकली 13 बुक्स जो हैं
इस लॉन्ग लिस्ट का कैटेगरी में आप देखेंगे तो 13 बुक्स को लिखा शामिल किया गया है जो कि आयरलैंड, कनाडा, यूएसए, यूके से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न लैंड आपको याद रखना है, चेतना मारू की ये बुक है और एक इंडियन ओरिजिन ऑथर है जो कि लंदन में रहती हैं और इनकी जो नोबल है वेस्टर्न लैंड उसे 2023 बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट बुक बात करते हैं हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो नीरजा चौधरी की ये बुक है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये बुक बेसिकली मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट से आप पीछे अगर आप जाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तक की जो गवर्नमेंट रही है, प्राइम मिनिस्टर का जो समय रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट आए हैं इनके टेन्योर में, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। इस बुक में इन्होंने बताया गया है कि किस तरीके से हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, वो किस तरीके से एक उनके पॉजिटिव रिलेशन थे RSS के लीडर के साथ, ये बात भी इन्होंने इस बुक में मेंशन की। और कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो केस था वो, ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में इस बुक में बताया गया है। तो ये जर्नलिस्ट नीरजा चौधरी की ये बुक है जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। एक और बुक यहाँ पर आई है जिसका हिंदी वर्जन बेसिकली आया है कारगिल एक यात्री की जुबानी, तो ऋषि राज जो है वो इसके ऑथर हैं। और एक नई बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसको रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, ऋषि राज की ये बुक है जिसमें बेसिकली उन्होंने 527 जो सोल्जर्स थे जिन्होंने कारगिल बैटल में पार्टिसिपेट किया था और कई सारे जो शहीद हो गए और अबाउट द कारगिल विजय दिवस के बारे में इस बुक में मेंशन किया गया है। क्लियर इतनी चीज़ें? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स जो न्यूज़ में थे। अब बात करेंगे हम GI प्रोडक्ट के बारे में। ये जो तीनों प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं इसको ना क्रोकोडाइल बनाना के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका फेस ऐसा मानना है, ये जो केला दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, इसका जो फेस ऐसा मानना है क्रोकोडाइल जैसा दिखता है, तो इसे क्रोकोडाइल बनाना भी कहते हैं। ओके, सो ये तीन प्रोडक्ट जो है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और इन तीनों प्रोडक्ट को GI टैग दिया है। क्या है ये तीन प्रोडक्ट, एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो GI टैग टू 3 फेमस प्रोडक्ट्स तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर GI टैग दिया गया है। GI टैग 10 ईयर्स के लिए होता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराने की आवश्यकता होती है। पहला प्रोडक्ट है जादेरी नमाकट्टी, बेसिकली जो वाइट कलर की आपको क्ले की एक स्टिक दिखाई दे रही है यही आपकी कहलाती है जादेरी नमाकट्टी। ये वाइट कलर की फिंगर जैसे शेप की एक स्टिक होती है जो बहुत स्मूथ इसका टेक्सचर होता है, बेसिकली सिलिकेट की जो सॉइल होती है उससे बनाया जाता है, बट इसके लिए क्लाइमेट कंडीशन भी चाहिए। अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो ये सूखेगी नहीं, तो क्योंकि इसको सूखने में समय लगता है, इसको ड्राई होने में काफ़ी समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम चेदी बुत्ता साड़ी। ये हैंडलूम साड़ी है जिसमें आप देखेंगे सिल्क और कॉटन से बनी होती है, जिसमें इसके पल्लू पे, इसका जो पल्लू होता है ना मम्मियों की साड़ियों का जो पल्लू होता है, पल्लू पे यहाँ पर चेदी बुत्ता का मतलब है पेड़। चेदी बुत्ता बेसिकली एक तमिल वर्ड है जिसका मतलब होता है प्लांट या ट्री। तो ट्री और प्लांट के जो पिक्चर्स होते हैं वो आपको पल्लू में देखने को मिलेंगे जो कि सिल्क एंड कॉटन के मिक्स फैब्रिक से तैयार किए जाते हैं, तो चेदी बुत्ता साड़ी। ठीक है, सौराष्ट्र के जो वीवर्स हैं बेसिकली उनका एक ग्रुप है, इस आर्ट वर्क के लिए जाना जाता है और ये प्रोडक्ट भी तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ठीक है, थिरुनेलवेली से। नेक्स्ट है कन्याकुमारी मट्टी बनाना। ये जो छोटे छोटे बनाना दिख रहे थे क्रोकोडाइल बनाना, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ये बहुत ही स्वीट होते हैं और इसकी मतलब फ्रेग्रेंस भी बहुत हाई होती है। ये भी आपको कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। तो आपको 3 प्रोडक्ट पता चल गए, पहला है जादेरी नमकत्ती, फिर है चेदी बुत्ता साड़ी और है फिर मट्टी बनाना, जैसे क्रोकोडाइल बनाना भी हम कह रहे हैं। इसके अलावा 7 और प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें GI सर्टिफिकेशन दिया गया है, इनको भी हम देखते हैं। और ये प्रोडक्ट गोवा, UP और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गोवा के आम, ये हैं गोवा के मैंगो जिसका नाम है मानकुर्दा मैंगो। ये मानकुर्दा मैंगो बेसिकली पोर्चुगल्स ने इसे नाम दिया था। ये जो वैरायटी है इसको कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि मानकुर्दा या फिर मालकोर्दा, कई सारे ऐसे नामों से जाना जाता है। और ये नाम बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, पोर्चुगल से हुआ है, जिसका मतलब होता है पुअर कलर। इसका मतलब क्या होता है, पुअर कलर, बट बाद में फिर कोंकणी में इसको ट्रांसलेट किया गया, लोकल भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया और आज इसको मानकुर्दा आमों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये गोवा का है,
मान कुर्दा मैंगो, अगर पूछा जाए मान कुर्दा मैंगो जिसको रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया है, या फिर माल कोर्दा मैंगो जिसे रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया है, कहाँ से है, तो गोवा से बिलोंग करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक स्वीट डिश के बारे में, एक हलवा के बारे में, ठीक है। ये हलवा है यहाँ पर बेबिनका, गोवा का बेबिनका, बेसिकली इसे क्वीन ऑफ गोवा डेजर्ट भी कहा जाता है। ये भी पोर्चुगल लोग ही लेकर आए थे, ये भी एक इंडो पोर्चुगल एक कह सकते हैं पजिंग या फिर हलवा है, जो कि बहुत स्वीट डिश होती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको गोवा से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यूपी, सो यूपी का क्राफ्ट हम देखेंगे। जलेश्वर धातु शिल्प बेसिकली उत्तर प्रदेश के इटावा डिस्ट्रिक्ट में इसका फॉर्मेशन किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसमें कई सारे एंकलेट्स, इसके अलावा क्राफ्ट ब्रास जो होता है ना, कांसे से बने हुए कई सारे आभूषण तैयार किए जाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स मेटल क्राफ्ट के जरिए यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। बेसिकली थाथेरस कम्युनिटी इस काम में जुड़ी हुई है, जो कि हाथरस में रहती है, हाथरस की एक लोकेलिटी में, एक कॉलोनी में बेसिकली यहाँ पे कम्युनिटी रहती है जो कि इस क्राफ्ट पे काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान, उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट, ये है उदयपुर के कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग यू नो मेटल से बने हुए सिल्वर एंड गोल्ड की कोटिंग के साथ एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किए हुए मेटल क्राफ्ट हैं, जो कि जनरली वॉर के समय पे इनको यूज़ किया जाता होगा। सो उदयपुर कोफ्तगरी मेटल क्राफ्ट राजस्थान से हैं। फिर राजस्थान से ही है बीकानेर कशीदकारी क्राफ्ट, कशीदकारी क्राफ्ट, ये बेसिकली कॉटन और सिल्क और बेलबेट से बने हुए मिरर वर्क के साथ एक बहुत सुंदर सुंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि स्पेशली मैरिज पर्पस में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो बैग हो गया हो, साड़ी हो गया हो, एट्सेट्रा। यहाँ पे नंबर ऑफ मिरर्स को यूज़ किया जाता है, बेसिकली मानना है कि मिरर जो ईवल आई होती है वो रिफ्लेक्ट करता है मिरर सर्विस, तो नज़र नहीं लगती, इसलिए मैरिज स्पेशली मैरिज गिफ्ट आइटम में इनका यूज़ किया जाता है। और मेघबाल कम्युनिटी जो बीकानेर की है, मेघबाल कम्युनिटी बीकानेर की जो है वो कसीदकारी क्राफ्ट पे काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जोधपुर का बंदेज क्राफ्ट, तो बंदेज बांधनी के बारे में आपने सुना होगा, और आजकल तो पूरे इंडिया में काफ़ी सारे लोग स्पेशली मदर्स जो होती हैं वो बांधनी साड़ी का यूज़ करती है ना, तो जोधपुर बंदेज क्राफ्ट, ये भी राजस्थान का एक आर्ट है जिसमें डाइंग एंड आर्ट वर्क किया जाता है, टाइंग एंड डाइंग से एसोसिएटेड, बेसिकली टेक्सटाइल से एसोसिएटेड है ये, जिसमें सिल्क और कॉटन थ्रेड का यूज़ करके फैब्रिक बनाया जाता है एंड इसमें आर्ट वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है बीकानेर उत्साह कला क्राफ्ट, बीकानेर का उत्साह कला क्राफ्ट बेसिकली अपनी चमक के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नक्काशी गोल्ड से होती है जो काफ़ी लंबे समय तक शाइन करता रहता है, इसलिए इस क्राफ्ट को जाना जाता है। और इसमें अनट्रीटेड कैमल, रॉ कैमल का भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है इस क्राफ्ट को बनाने के लिए। अच्छा, दबगार कम्युनिटी जो है बेसिकली उत्साह कला क्राफ्ट से जुड़ी हुई है, ठीक है, इतनी चीज़ें। तो ये भी कुछ जीआई प्रोडक्ट्स थे। नेक्स्ट बात करते हैं एक आर्कियोलॉजिकल साइट के बारे में, और ये साइट है वैनी सागर। ये वैनी सागर साइट क्यों अभी न्यूज़ में, क्योंकि बेसिकली अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने यहाँ पर जो टॉप 100 इनके आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनके नाम मेंशन किए हैं, और उसमें वैनी सागर को भी इंक्लूड किया गया है, इसलिए वैनी सागर न्यूज़ में आ गया। सो वैनी सागर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ द कंट्री बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमारे मन में प्रश्न ये बनना चाहिए कि वैनी सागर ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो बेसिकली ये झारखंड में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी वैनी सागर। ऐसा माना जाता है यहाँ पे कई सारे तालाब और बड़े बड़े पॉन्ड्स हैं, और इनको बनाया था एक बैनी नाम के या फिर बेनू नाम के किंग ने, इसलिए इस पूरी जगह का नाम रखा गया वैनी सागर, जो कि आपको सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में देखने को मिलेगा। 5th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक इनका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, इनफैक्ट यहाँ पर जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनसे हमें पता चलता है कि बहुत से लोग यहाँ पे थे जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, ये भगवान शंकर की पूजा करते थे, मतलब शैव धर्म को फॉलो करते थे, और जो स्क्रिप्ट्स यहाँ पर मिले हैं वो हमको ब्राह्मी एंड संस्कृत लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ओके, तो वैनी सागर के बारे में आपको सारी जानकारी जितनी ज़रूरत की थी वो मैंने आपको बता दी।
नेक्स्ट बात करते हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर। यहाँ पे आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है अमृत वृक्ष आंदोलन। क्या नाम है? अमृत वृक्ष आंदोलन। तो अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन और एक वेव पोर्टल लॉन्च किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने। यहाँ पर इनका मकसद है कि एक करोड़ प्लांटेशन करना है स्टेट में, आसाम में, और ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ये एक सिंगल डे में किया जाएगा और ये डे कौन सा है? 17th of September 2023 में सिंगल डे में 1 करोड़ प्लांट्स जो है वो लगाए जाएंगे। इसलिए अमृत वृक्ष आंदोलन एप्लीकेशन और वेव पोर्टल को लॉन्च किया गया है असम के लोगों को इनकरेज करने। और इसमें कहा है अगर आप प्लांट लगाते हैं और आप पिक्चर लेते हैं, पोर्टल पे अपलोड करते हैं, तो आपको आपका बैंक जो है, बैंक अकाउंट है, उसमें 100 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। मतलब प्लांटेशन करने के लिए लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे आसाम के बारे में। ये जो मैप दिखाई दे रहा है आसाम, और इसकी जो लाइफलाइन आप देख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर बीच में से बहती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारी इसके, और ये बांग्लादेश, ये सब इसका पड़ोसी कंट्रीज एंड देश स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब असम के बारे में थोड़ी सी बात है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, और नमेरी नेशनल पार्क भी आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज तो असमी है, लेकिन असमी के अलावा बोडो, हिंदी, बंगाली भी बोली जाती है। हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर हैं, गुलाब चंद कटारिया गवर्नर है, ऑफिशियल डांस बिहू है, और ऑफिशियल रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर है। चलिए अब एक बहुत अच्छा कुछ स्टार्ट हुआ है। अभी तक आप लोगों ने ओपीडी के बारे में सुना होगा, है ना, जहाँ पे ओपीडी मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक एस्ट्रो ओपीडी लॉन्च किया गया है वाराणसी में, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं और उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं या उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस एस्ट्रो ओपीडी या एस्ट्रोलॉजी ओपीडी में वो सारे टीचर्स होंगे जो हर एक, मतलब इवनिंग में 1 घंटे लोगों को चेक करेंगे और उनका, मतलब जो राशिफल होता है ना, वो बताने का काम करेंगे। तो जिनको अपनी राशि पता करनी है तो वाराणसी चले जाओ, अपना भविष्य जानो बाय द एस्ट्रो ओपीडी। तो ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में, और वहाँ पर एस्ट्रो ओपीडी को लॉन्च किया जा रहा है, डन है। अच्छा, एस्ट्रो ओपीडी को लॉन्च करने के लिए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रविंद्र जायसवाल, इन्होंने अपने MLA फंड से 25 लाख रुपीज़ भी सैंक्शन किए हैं इस ओपीडी को रन करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, हैदराबाद टू होस्ट इंडिया फर्स्ट IAU 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन नवंबर। इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन, IAU का मतलब है इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन। तो हैदराबाद में भारत पहली बार 50 किलोमीटर वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंटरनेशनल एथलेटिक यूनियन के अंतर्गत कंडक्ट करने जा रहा है, और ये कब होगा? 5th of November को होगा। 4 अलग अलग कैटेगरी में ये रेस होगी। द इवेंट विल ऑल्सो सी 3 other runs, 21.1 हाफ मैराथन, 10K एंड 5K रन ऑर्गेनाइज बाय द NEB स्पोर्ट। इसमें USA, जर्मनी, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया और दूसरी सारी कई कंट्रीज़ के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो रनर हैं, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। जुलाई 2023 में 100 किलोमीटर IAU जो है वो कंडक्ट की गई थी बेंगलुरु ने, ठीक है। नेक्स्ट है USA टू ओपन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम इन बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में USA ने एक एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम को ओपन किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस UAS, ठीक है, USA बोल दिया ना मैंने, UAS, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस ने अपने तरीके का पहला एक एग्रीकल्चर म्यूजियम ओपन किया है बेंगलुरु में। बेसिकली इसमें किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर इवॉल्व हुआ है, पहले हम किस तरीके से खेती करते थे और आज हम किस तरीके से नए इक्विपमेंट और नई टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग करते हैं, उसको यहाँ पे पूरा लिंक बताया है, जिससे यूथ है वो भी जान सके कि पहले हम किस तरीके से फार्मिंग करते थे और एक फार्मिंग से, एक एग्रीकल्चर से कनेक्शन भी बता सके। इसके अलावा ये जो म्यूजियम होगा ना, ये 1-stop solution भी होगा, जहाँ से एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस अपने तरीके का पहला म्यूजियम तैयार करिए, कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है
अब यहाँ पे मैं एक फेस्टिवल के बारे में बात करने वाली हूँ जिसको लॉन्च किसने किया, जिसको इनॉग्रेट किया है, द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। उन्मेष एंड उत्कर्ष फेस्टिवल कहाँ हो रहे हैं, ये भोपाल में हो रहे हैं जो कि एमपी की कैपिटल है। 3rd of August से लेके 5th of August के बीच में ये फेस्टिवल रन होना है, उन्मेष एंड उत्कर्ष। कौन से फेस्टिवल है आइए हम बात करते हैं। दोनों ही यहाँ पे जो उत्कर्ष है, उत्कर्ष एक इंडियन फोक एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन फेस्टिवल है जहाँ पे ट्राइबल डांस फॉर्म और ट्राइबल आर्ट कल्चर्स दिखाया जाता है, और उन्मेष जो है वो इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है जहाँ पे बुक्स वगैरह अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं अपनी बुक्स को रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश जो कल्चर डिपार्टमेंट है एमपी का, अलॉन्ग विद संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो उन्मेष है ना, ये एशिया का लार्जेस्ट लिटरेसी फेस्टिवल है, आप इसको बोल सकते हैं। 15 कंट्रीज यहाँ उन्मेष फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने वाली। तो उत्कर्ष क्या है, तो फोक डांस एंड ट्राइबल एक्सप्रेशन से है। उन्मेष क्या है, लिटरेचर फेस्टिवल है। कहाँ हो रहे हैं, भोपाल में हो रहे हैं, ओके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है, ये एक मशीन आपने देखी होगी, ये है MRI मशीन, फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड लाइट वेट अल्ट्रा फास्ट अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI स्कैनर को रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है। तो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला MRI स्कैनर। जितेंद्र सिंह कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इन्होंने अफोर्डेबल नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। MRI क्या होता है, एक टाइप का स्कैनर होता है जिसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है और रेडियो वेव्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारी बॉडी की डिटेल इमेज को तैयार करता है, हमारे इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनका पूरा एक इमेज ये तैयार करके देता है। अच्छा, ये अचीवमेंट कैसे हो पाया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल और नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत इस MRI स्कैनर को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें छोटी सी न्यूज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है NAPDDR, मतलब नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला तो NAPDDR क्या है, तो आंसर हो जाएगा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन है। किसने इसे लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने किया है। क्यों किया है, क्योंकि स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को अवेयरनेस दिलाना, प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन तैयार करना, हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बताना, सर्विस प्रोवाइड करने, बेसिकली मेन फोकस होगा काउंसलिंग पे कि ड्रग के यूज़ के या उसके कंजप्शन को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, अ स्कीम फॉर द गुडविल ऑफ द सीनियर सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एक और स्कीम लॉन्च की गई है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, और ये स्कीम भी लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। बेसिकली जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो किसी कोई ऐसी उनको प्रॉब्लम, एज के साथ कोई बीमारी हो गई है या डिसेबिलिटी हो गई है, तो एक तरीके का डिवाइस उनको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उनकी बॉडी में नॉर्मल फंक्शनिंग को कंडक्ट करेगा। तो ये भी किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने ही किया है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब यहाँ पे 2-3 न्यूज़ और बची हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल 2023, जिसको इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। अभी केवल इंट्रोड्यूस किया है, पर इंट्रोड्यूस करने के साथ ही काफ़ी यहाँ पे अनरेस्ट देखने को मिल रहा है, प्रोटेस्ट भी शुरू किया जा रहा है। अभी केवल इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पर डिस्कशन होगा और फिर ये जो बिल है वो एक्ट में बाद में कभी कन्वर्ट होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 इन लोकसभा, जहां पे 4 कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब मतलब ST, जम्मू एंड कश्मीर की 4 कम्युनिटी को ST में शामिल करने की बात की गई है। अच्छा, वो 4 कम्युनिटी कौन है जिनका नाम प्रपोज किया गया है ST में शामिल करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा गद्दा, ब्राह्मण, कोली, पादरी ट्राइब एंड पहाड़ी इथिक ग्रुप। ऑलरेडी अगर हम बात करें 1991 से, यहाँ पे 2 ट्राइब आपको जम्मू एंड कश्मीर के देखने को मिलेंगी, गुज्जर
एंड बकरवाल, ये दोनों ऑलरेडी जो हैं वो एसटी कम्युनिटी में शामिल हैं। तो जब ये बात अनाउंस हुई या लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया तो ये लोग काफ़ी नाराज़ हुए। इनका ये कहना है कि बाकी जो जैसे कि पहाड़ी एथिक ग्रुप है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पठान, कश्मीर ओरिजिन के कई सारे लोग आते हैं जो कि राजौरी और पुंछ में रहते हैं, तो वो सब भी पहाड़ी एथिक ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। तो हमारा जो बेनिफिट हमको मिलता है, हमें जो एडवांटेजेस मिलते हैं सरकारी नौकरी और दूसरे जो स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो हमारा जो आरक्षण है वो इनके कोटे में चला जाएगा और ये लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इनका ये कहना है अगर आपको इनको एसटी कैटेगरी में डालना है तो आप डालो, लेकिन हमें जितना आरक्षण है, हमें जितना रिजर्वेशन है, उसमें आप कुछ भी चेंजेस मत करो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, नेक्स्ट, जस्ट आस्क एक चैटबॉट है। कहाँ पर है ये? एमपी में है। क्या है इसका काम, हम देखते हैं। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एंड UNFPA मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने लॉन्च किया है AI पावर्ड चैट बोर्ड जिसका नाम है जस्ट आस्क। नाम क्या है? जस्ट आस्क। इसका प्राइमरली गोल क्या है? तो इस चैट बोर्ड की मदद से जो यूज़र है वो डायरेक्टली कन्वर्सेशन करता है, कर सकता है अपने जो भी डाउट है रिलेटेड टू द सोशल इशू या फिर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स, इन सब मुद्दों पे जो भी आपके डाउट हैं, क्वेरीज हैं, तो डायरेक्टली जस्ट आस्क जो चैट बोर्ड है उसके ज़रिए पूछा जा सकता है। इट इज़ डिज़ाइन टू शोकेस टू एस्पायरिंग रोल मॉडल नेम ध्रुव एंड दृष्टि। ठीक है, ये कई सारे सब्जेक्ट पे क्वेरीज को सॉल्व करेगा। अब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड अगर हम देखें तो इसको बनाया गया था 1967 में। ठीक है, इनिशियली इसको ट्रस्ट फंड को 1967 में बनाया गया था, बाद में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड बिगिन होता ऑपरेशन करना 1969 में, और 1987 में इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड किया जाता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एमपी। नेक्स्ट है फाल्कन शील्ड 2023 ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन द यूएसए एंड बिटवीन द यूएई एंड चाइना। तो चाइना एंड यूएई की एयरफोर्स कंडक्ट कर रही है पहली फर्स्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग फाल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी चाइना में, चाइना का जो जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री द एक्सरसाइज फाल्कन शील्ड 2023 विल बी द फर्स्ट ज्वाइंट ट्रेनिंग बिटवीन द टू नेशन एयरफोर्स। तो दोनों नेशन के एयरफोर्स के बीच में होने वाली अपने तरीके की पहली ज्वाइंट मिलिट्री ज्वाइंट एयरफोर्स की ट्रेनिंग एक्सरसाइज है फाल्कन शील्ड बिटवीन द चाइना एंड यूएई, और हो कहाँ रही है? चाइना में हो रही है। नेक्स्ट है एक रिपोर्ट आई उस पर हम चर्चा करेंगे। इंडिया पर कैपिटा इनकम टू जम्प 70% बाय द फाइनेंशियल ईयर 2030। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने एक अपनी रिपोर्ट दी है, एक रिसर्च वर्क कंडक्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत के जो लोग हैं उनका जो प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम है वो 70% तक ग्रो हो जाएगा बाय द 2030। अभी प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखेंगे आज के सिनेरियो में पर कैपिटा इनकम भारत के लोगों की $2,450 है, और ये 70% इंक्रीज हो जाएगी बाय 2030 और हो जाएगी $4,000। ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में एनुअल ग्रेथ जो आपका नॉमिनल GDP ग्रोथ है उसके बारे में बताया गया है, और बोला गया है कि अभी प्रेजेंटली तेलंगाना जो है वो सबसे आगे है पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में, सेकंड नंबर पे कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपके साउथ के स्टेट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आपको पर कैपिटा इनकम ज़्यादा देखने को मिलती है इंडिया में, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक रिसर्च। यहाँ पे अब तीन शॉर्ट न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ हम देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पायलट बेसिस पे डिजिटल क्रॉप सर्वे, अभी देखो खरीफ का सीज़न चल रहा है, खरीफ की फसलों का सीज़न चल रहा है क्योंकि मॉनसून का टाइम है, राइट। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे यहाँ पे इस खरीफ सीज़न के लिए लॉन्च किया गया है पायलट बेसिस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 12 स्टेट। कहाँ पे? 12 स्टेट में डेटा कलेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिएगा, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एनालिसिस सामने आया है, और इस एनालिसिस में कहा है कि सबसे ज़्यादा जो बिलेनियर MLAs हैं मतलब विधायक हैं वो कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटका लीड कर रहा है विथ मोस्ट बिलेनियर MLA, उसके बाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर आता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 64.4 करोड़ यहाँ पर हाइएस्ट लिखा बताया गया है कर्नाटका के बारे में। ठीक है, उत्तर प्रदेश लेग्स बिहाइंड। नेक्स्ट है फॉक्सकॉन।
फॉक्सॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप बेसिकली एक ताइवानीज कंपनी है जो कि एप्पल के लिए भी कंपोनेंट को सप्लाई करती है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को तमिलनाडु में सेटअप किया जाएगा और फॉक्सॉन ने इसके लिए 1600 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने की बात की है। डन, बस इतनी चीज़ें आज हमें डिस्कस करनी थी। अंत में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल। किसे बनाया गया है NACC का नया डायरेक्टर? चार ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। और दूसरा क्वेश्चन है, मैंग्रोव सेल रिसेंटली किसने बनाई है? केरला ने, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या असम ने? इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। बाकी सारी बातें कल करते हैं। टेक केयर।